एक मर्यादा है, और वो मर्यादा किस लिए? लोक शिक्षा के लिए बस। क्या ये बात गुरुदेव नहीं जानते थे कि ये जो कर रहे हैं इतनी दूर मेरे पास आए मेरी पूजा करने, ये ठीक है कि गलत? गुरुदेव इस बात को नहीं जानते थे क्या? लेकिन फिर भी एक लोक शिक्षा के लिए और हम लोगों को एक मर्यादा स्थापित करने के लिए गुरु जी ने उस समय कहा, मैं पूरी महाराज की पूजा ग्रहण करूंगा, मैं उनका शिष्य तुल्य हूं, पूरी गोस्वामी महाराज जी मेरे दीक्षक मेरे शिक्षक गुरु हैं, वे मेरे शिक्षक गुरु हैं, इतने श्रेष्ठ इतने ज्येष्ठ, मैं उनकी पूजा कैसे ग्रहण कर सकता हूं? नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अब सब सारी व्यवस्था हो रखी थी वहां पर, भोग सामग्री गुरुदेव को निवेदन करने के लिए और चरणों का अभिषेक करने के लिए आरती सब तैयारी थी। तब सारी स्थिति को समझकर शॉर्ट में कहता हूँ, गुरु जी ने कहा तो पूरी गोस्वामी महाराज की एक छवि लेकर आओ। अब हम छवि लेकर थोड़ा घूम रहे हैं, उनकी पिक्चर लेकर तो घूम नहीं रहे। अच्छा अगर घर में कहीं मिल जाए तो ले आओ, नहीं तो एक पेपर पर नाम ही लिख कर ले आओ, हम उनकी पूजा करेंगे। वे अक्षर भी अभिन्न है, हम उनकी पूजा करेंगे। तब उस समय पूनम दीदी वो इधर उधर ढूंढने लगी तो एक पत्रिका थी हार्मोनिस्ट, उसमें गुरु महाराज का एक लेख था और वो एक पिक्चर उनको मिल गई, तो तुरंत लेकर आई। गुरु जी ने वो पिक्चर अपने हृदय में यहाँ पर धारण कर लिया, अपने अंक में धारण किया। गुरु जी ने स्पष्ट रूप से कहा, वो वाक्य अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं, अब तुम जो भी करोगे उसमें मुझको दोष नहीं लगेगा, ये सारी की सारी पूजा सब कुछ तुम्हारे गुरु महाराज तक पहुंच जाएगा। इतने जोर से गुरुदेव ने इस बात को कहा, चरण अभिषेक किए, आरती की, भोग निवेदन किया। गुरु जी अपने हाथों से ही मंत्र पढ़ रहे हैं, उन जो भोग सामग्री की निवेदन कर रहे हैं, किसको? गुरु महाराज को। यहां पर हमारा क्या कर्तव्य और गुरु जी की क्या मर्यादा? हमारा कर्तव्य दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में भेद नहीं, यदि शिक्षा गुरु उपस्थित हैं तो फिर उनकी ही सेवा उनकी परिचर्या ही वास्तव में दीक्षा गुरु की ही सेवा परिचर्या है। लेकिन फिर गुरु भी एक मर्यादा की स्थापना करते हैं। गुरु का अर्थ ही गंभीरता होता है, गंभीर होता है, वचन में गंभीर है, विचारों में गंभीर है, कोई हल्की बात नहीं। शिला भारती महाराज जी बताते थे गुरु हल्की बात नहीं करते, उनमें गंभीरता होती है, एक विचार होता है, और विचार करके ही बात को कहा जाता है। ये आचार्यों का और उनका स्वभाव कैसा? निर्मत्सरनाम सताम, निर्मत्सर होते हैं। निर्मत्सरता उपलब्ध करना भी भजन का भी एक कौशल है, निर्मत्सरता बहुत आवश्यक है। ये ऐसा एक रोग है जो भजन को शिथिल कर देता है। गुरुजी बोले जब तक निर्मत्सर नहीं होंगे तब तक कैसे भागवत धर्म को समझ पाओगे? ये सब गुरुदेव के विचार, ये उनके कथन के विचार, परंतु जिस प्रकार से परम गुरुदेव ने विग्रह स्थापन किए, श्री राधा विनोद बिहारी जी, हम लोगों ने गुरुदेव से ही श्रवण किया, हमने तो परम गुरुदेव को देखा नहीं। कि उस समय कुछ भक्त लोग बोलते थे, आप काले रंग के विग्रह कृष्ण के क्यों नहीं रखे? सस्ता मिलता है व्हाइट मार्बल, इसलिए सफेद रखे। लेकिन परम गुरु जी का विचार भागवत का विचार है, परम गुरु जी का विचार प्रभुपाद जी का विचार है। एक बार एक सभा में प्रभुपाद जी किसी से दशम स्कंद भागवत की कथा को श्रवण कर रहे, जिसमें रास लीला का प्रसंग, साचा मैंने तदात्मनम वरिष्ठम सर्व योषितम हित गोपी कामान असो भजते प्रिय तत्त्वगतम वनम देशम धृतम केशम आब्रवित ना पारे हम चलितुम नय माम यत्र ते मना एवं उक्तम प्रियम अहस्कंद उरायते इति ततश अंतर्दय कृष्ण सवधु अनुवतत्ते। कहने का अर्थ,
राधा जी कहने लगी मैं अब चल नहीं पाऊंगी, ना पाए हम चले तुम। तो कृष्ण कहने लगे आप कंधे पे बैठ जाइए। तो उसी समय कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, और जैसे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए सब वधु अनुवत, वह राधा जी का नाम वधु, राधा जी विलाप करने लगे। उसी समय उस कथा को वहीं पर ही रोक दिया गया, नहीं हम इसको नहीं सुन सकते कि राधा जी श्री कृष्ण के विरह में विलाप करें। और साथ ही साथ गीत गोविंद का श्लोक कह दिया कि इतस ततत अनुस्मृत्या अनंगवान खिन मनसा कृतानुताप सकल निनंदी ततंत कुंदे विषाद माधव, कि राधा जी रास से जब चले जाए तो माधव राधा जी के विरह में विषाद करें विलाप करें, ये सुनना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण विरह राधिका दशा अमितो सहिते नारी, ये हमारी गुरु परंपरा है, ये भक्तों ठाकुर जी के विचार, ये परम गुरु जी के विचार। तो आश्रय तत्व को प्रधानता दी गई है। श्रीनोत्तम ठाकुर जी ने भी श्री रूपम मंजरी पदा सही मोरा संपदा सही मोरा भजन पूजन सही व्रता सही तपा सही मोरा मंत्र जपा, हम तो रूप गोस्वामी का मंत्र नहीं जपते, हम तो कृष्ण मंत्र जप करते हैं, व्रत भी कृष्ण के लिए करते हैं, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, श्री रूपम मंजरी पदा, उन्हीं का ही व्रत सर्वश्रेष्ठ है, उन्हीं का ही व्रत सर्वश्रेष्ठ है। से पदे हैवे सिद्धि अनुकूले हैवे विधि से पदे हैवे सिद्धि, उनके चरणों में मेरी सिद्धि हो। आश्रय जाति आश्रय जो तत्व है उसकी प्रधानता है। तो यही जो ऐसे बहुत से विचार हैं गुरु परंपरा के, यदि गिनने बैठे तो गुरुदेव के विग्रह मठ स्थापन में भी यही विचार ही देखा गया है। क्या देखा गया, रूप सनातन गौड़िया मठ में जहां पर महाराज जी देख रेख करते हैं, महाप्रभु राधा विनोद बिहारी जी के साथ कौन है, कौन है बताना, आप लोग रूप सनातन मठ में गए, कौन कौन रूप सनातन मठ में, वृंदा सती वृंदा देवी को स्थापन किया, जो वृंदा देवी स्वयं स्वप्न में आकर गुरुदेव को ये आदेश कर रही हैं कि ये स्थान मेरा है लेकिन मैं कामा चली गई, आप पुनः मुझको वृंदावन में स्थापन करो। वृंदा देवी आकर स्वयं गुरुदेव को आदेश दे रही है, गुरुजी ने वृंदा देवी को वहां पर स्थापन किया श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में। और दुर्वासा गौड़िया मठ है मथुरा से उस पार, वहां पर किनको स्थापित किया, जमुना महारानी को स्थापित किया। श्री गिरधारी गौड़िया मठ में श्री गिरिराज को स्थापित किया। ये सब क्या है, ये आश्रय विग्रह है। इन आश्रय विग्रह के अनुगत में ही विषय विग्रह की अर्थात श्री कृष्ण की आराधना तभी परिपूर्ण हो सकती है। आश्रय विग्रह के आश्रय विग्रह को लांग कर विषय विग्रह की उपासना और आराधना ये हमारी पद्धति नहीं है। ये ब्रह्म मध्व गौड़िया सारस्वत जो धारा है ये उसकी पद्धति नहीं है। गुरुदेव ने बस इतना ही कहते मैं विराम देता हूँ, गुरुदेव ने वही जो सारस्वत जो धारा है, जो भक्तियों और धारा है, जो महाप्रभु की धारा है, ठीक वही धारा को ही अपने मठ निर्माण के भी जैसे परम गुरु जी ने विनोद बिहारी जी राधा चिंता निवेशनम यस्य कांति विलोपिता श्री कृष्ण चरण वंदे राधा लिंगित विग्रहम, सफेद रंग के श्री कृष्ण जो कि राधा जी के भाव में विभावित होकर श्री कृष्ण गौर वर्ण के हो गए, श्री गुरुदेव भी उसी प्रकार वृंदा महारानी जमुना महारानी और श्री गिरिराज हरिदास वर्जे उस रूप में उन मठों के स्थापन में गुरुदेव का वो भाव इंगित होता है। इसलिए गंभीर और गंभीर ये गुरुदेव के चरित्र में, इस पावन चरित्र में ये गंभीरता देखी जाती है। तो मैं आप सबसे ही प्रार्थना करता हूँ कि वे विचार धारा और वो जो आदेश गुरुदेव ने जो हम सबको प्रदान किया उसको पालन करने का बल और शक्ति हम सबको प्राप्त हो, विशेष करके मुझ अधम को प्राप्त हो जिससे उस विचार को कम से कम समझ तो पाऊँ। उस पर तो खरा उतरना बहुत कठिन है लेकिन समझ पाऊँ इस जीवन में। और गुरुदेव से चरणों में ये प्रार्थना है, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, आपके चरणों में मेरी जिस प्रकार से रति मति हो
बस इतना ही हो जाए तो ये कम से कम ये जीवन तो सफल हो जाएगा। श्री गुरुदेव की। हाँ हरे कृष्णा। आप लोग हमारे शांतो महाराज से श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे? श्री महाराज जी को जिसने जब किसी ने प्रश्न किया, बोले जब गुरुदेव आप चले जाएंगे फिर हम किसका आश्रय ग्रहण करेंगे? विदेश में भी गुरुदेव को किसी ने प्रश्न किया, बोले आप इतने लोगों, जब गुरुदेव विदेश प्रचार करने के लिए गए, जैसे लोगों भक्तों का बाढ़ आ गई संपूर्ण। किसी ने प्रश्न किया गुरुदेव जब चले जाएंगे फिर आप इतने लोगों को भक्ति दीक्षा मंत्र में दीक्षित कर रहे, इनके ऊपर आश्रय कौन, इनको सहारा कौन देगा? शांत महाराज बोल रहे थे ना, मैंने एक नारायण जा रहा हूँ, मेरे पीछे अनंत नारायण को मैं स्थापना करते हुए जा रहा हूँ। देखो ये भक्त लोग जब एक एक भक्त बोलते हैं ना, हम तो सारी गौड़ियों मठ में गए हैं, हम वृंदावन में कोशिश करते हैं रूप गोस्वामी तिथि में हमारी गौड़ियों मठ से एक दो भक्तों को निकल जाए जो रूप गोस्वामी को बाहर में बोले, हमको बड़ी कठिनी से एक दो कहीं मिलते हैं। लेकिन हमारे मंदिर में सन्यासी लोगों का तो बात ही छोड़ दो, सन्यासी लोगों का बात छोड़ दो, जब ब्रह्मचारी लोग बोलते हैं, फिर जब गृहस्थ लोग बोलते, कल हम सुन रहे थे, फिर गृहस्थ की बात छोड़ दो, जब माताएं हरिकथा बोलती हैं, बाबा लगता है जैसे सचमुच से गुरुदेव, इनके हृदय में गुरुदेव साक्षात प्रकट हो गए। क्या उनकी वाणी, क्या उनकी शैली, क्या उनकी विद्वता, क्या उनकी दार्शनिकता, क्या उनके सिद्धांत, जिसको सुन सुन करके हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या सुंदर सुंदर विचार बोलते हैं। एक समय गुरुदेव जब गोवर्धन में थे, ध्यान देकर सुना, जब गोवर्धन में थे, एक दिन गुरुदेव सारे सन्यासी को बुलाए, सन्यासी को बुला करके बोले, देखो मैं चाहता हूँ मेरे जितने सन्यासी ये सब के सब गुरु रहे, जितने सन्यासी ये सब गुरु, स्वयं गुरुदेव बोल रहे थे, इसलिए गुरुदेव ने सन्यासी को आदेश दिया, तुम लोग सब दीक्षा मंत्र देना शुरू कर दो। लेकिन हमारे जो सन्यासी लोग थे, बोले गुरुदेव आप रहते फिर हम दीक्षा मंत्र कैसे दे, हम दीक्षा मंत्र नहीं दे सकते, ये गुरुदेव स्वयं कह रहे। फिर गुरुदेव कह रहे मैं रहते रहते मैं देखना चाहता हूँ हर पिता क्या चाहते हैं, मेरा जो बिजनेस है मेरे बच्चे क्या सचमुच से बिजनेस को चला पाएंगे कि नहीं, हर पिता चाहते हैं ना मैं रहते रहते मेरे बच्चे ऐसे हो ना हर हो, जो मैं बिजनेस खोला हूँ इसको सही सही चला पाए, हर पिता माता चाहते ना, ये गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं, गुरुदेव का वाणी कहते मैं रहते रहते मैं देखना चाहता हूँ मेरे शिष्य लोग सचमुच से मेरे जो परंपरा है, मैंने जो परंपरा चलाई, जो अनंत जीव को जो मैंने आश्रय दिया, गुरु जी के सिद्धांत को, महाप्रभु के सिद्धांत को मैंने जो स्थापन किया, मैं देखना चाहता हूँ मेरे शिष्य लोग भी इसको आगे उसको बढ़ा करके दिन दोगुना और रात चौगुना ये भक्ति रूपी बाढ़ को जगत में प्रवाहित करे, ये मैं देखना चाहता हूँ। ये गुरुदेव की ये वाणी है, ये गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं ये बार को, मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए सचमुच से जितने गुरुदेव का यहाँ शिष्य है, जितने सन्यासी शिष्य, गुरुदेव स्वयं कहते हैं मेरे सन्यासी शिष्य सबके सब एक एक गुरु है, एक दिन एक ब्रह्मांड नहीं, कहते महाप्रभु का भक्त में इतने शक्ति है, बोले ब्रह्मांड तारी से शक्ति धरे जने जने, एक एक महाप्रभु का भक्त एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड को तार सकते हैं। इसलिए महाप्रभु का भक्त में दिखाई पड़ता है, हम भी देखते हैं हमारी गुरु जी की जो शिष्यों के अंदर में ये सारे गुण विद्यमानता है, सारे गुण हमें जो महाराज अभी बता रहे थे, ये महाराज बहुत अच्छे लिखे पढ़े हैं, ये इंजीनियर हैं और उन्होंने सीए भी किया, संपूर्ण विश्व में अभी सारा दुनिया में भारी भक्ति को प्रचार करते हैं, बन महाराज संपूर्ण पृथ्वी में घूमते हैं, और एक एक जो मुनि महाराज अब जिनकी कथा सुन रहे थे तो कितना सुंदर भजन गाते हैं, इनकी अंग्रेजी बहुत ऐसे चार पांच तरह का भाषा ये जानते हैं, एक एक सन्यासी का अगर खड़े करोगे ना, ये लोग सब माइक, एक समय रामचंद्र रूप बोल रहे थे माइक है, कहते लोग माइक को, माइक लोग को ढूंढता है, लेकिन यहाँ पर माइक को लोग ढूंढते हैं, माइक को हमारे भक्त लोग ढूंढते हैं, कब माइक हमारे पास में, माइक कब हमारे पास में आए। इसलिए गुरुदेव का जो एक एक शिष्य है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, गुरुदेव का शिष्य है ये साधारण व्यक्ति नहीं, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो श्री गुरु जी की अनुगत्य में, गुरु परंपरा में, हमारे महाराज जी की धारा में हम लोग आए,
क्योंकि गुरुदेव को स्वयं राधा रानी वृंदावन में स्वयं राधा रानी स्वप्न देती हैं सेवा कुंज को पुजारी को, कहती है नारायण महाराज मेरी सखी मंजरी है, जा करके इनको तुम प्रसाद दे करके आओ। स्वयं सेवा कुंज का पुजारी वो आते हैं हमारे गुरुदेव को प्रसाद देने के लिए, क्यों राधा रानी स्वयं उनको भेजती है, ये नारायण गोस्वामी महाराज मेरी मंजरी और ये मेरी सखी है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि उनके तिथि में हम लोग यहाँ पर सबके सब उपस्थित उनके तिथि में हुए हैं। इसलिए इतना महिमा क्यों वैष्णव का, कारण क्या है? इसलिए भागवत में कहते हैं कि वैष्णव चिन्हित नारे देवर सकती, देवता लोग भी वैष्णव को पहचान नहीं सकते हैं। बोले देवता की बात छोड़ दो, ये वैष्णव का इतने शक्ति, गुरु जी की इतने शक्ति है। कृष्णा स्वयं कहते हैं अनु ब्रजामि अहम नित्यम पुए एत अंग्री रेणु भी, मैं ये भक्तों को पीछे पीछे चलता हूँ। बोले क्यों चलता चलते हो? बोले इनकी चरण का धूल उड़ करके मेरे सर पर गिरे और मेरे जीवन धन्य हो जाए। ये कृष्ण स्वयं कहते हैं। बोले भैया कृष्ण को पूछे, भैया आप क्यों ये गुरु जी की वैष्णव की चरण धूल आप क्यों चाहते हो? बोले पुए एत, बोले पवित्र बनने के लिए। भक्तों ने पूछा कि आप अपवित्र हो गए हो? बोले हाँ अपवित्र। बोले कैसे? बोले भक्तों का ऋणी लेते लेते भक्त लोग मेरी सेवा करते हैं, जब मैं भक्तों को पूछना हूँ भैया कुछ वर तो लो, भक्त लोग क्या कहते हैं? बोले न धनम न जनम न सुंदरी कवितावा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात् भक्ति अहित कितोई। भक्त लोग कहते प्रभु हमें धन जन पुत्र परिवार कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरण की हमें सेवा चाहिए। यहाँ तक भी भक्त लोग कहते ननाक प्रेष्टम न चपारम एष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम, प्रभु हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें पृथ्वी का राजभोग नहीं चाहिए, हमें पाताल लोग नहीं चाहिए, यहाँ तक भी हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपकी विरह हम चाहिए। इसलिए भक्त लोग लेना चाहिए नहीं चाहते। इसलिए भगवान कहते हैं भैया अगर भक्तों को पूछे तुम क्या चाहते हो, भक्त कहते आपके सेवा चाहिए, फिर मैं ज्यादा ऋणी बन जाता हूँ, फिर सोचता हूँ ये ऋणी से उऋणी कैसे बनूं। सोचते हैं ठाकुर जी अगर मैं भक्तों का पीछे पीछे चलूंगा ये तो अपना चरण धूलि भक्त हमें देंगे ही नहीं, जब मैं भक्तों का पीछे पीछे चलूंगा धूल तो उड़ेगा ही, जब उनकी धूल मेरे सर पर पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? ये कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को, जब संतों की चरण धूलि मेरे सर पर पड़ेगा पुए एत मैं स्वयं पवित्र बन जाऊंगा। मतलब संतों की महिमा इतना है, साक्षात परात्पर तत्व परम ब्रह्म स्वयं जिनकी चरण धूल में अभिषिक्त तो होना चाहते कौन? कृष्ण स्वयं। इसलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में कृष्ण क्यों आए, कारण क्या है? कारण यही है राधा रानी की जो प्रेम की महिमा, स्वयं विषय विग्रह कृष्ण होते हुए भी राधा रानी की प्रेम की महिमा इतना है, स्वयं श्याम सुंदर राधा जी की अंग कांति भाव लेकर के केवल राधा रानी की भाव को आस्वादन करने के लिए स्वयं परात्पर तत्व परम ब्रह्म स्वयं कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में इसी जगत में आते हैं। इतने महिमा भक्तों की, हाँ इतने महिमा, विशेष करके हमारे जो महाराज जी है भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, इनकी तो अब लोग तो अलग अलग भक्ताओं से अलग अलग इनकी जो अनुभूति इनसे सब श्रवण कर रहे हो, अलग अलग अनुभूति श्रवण कर रहे हो। इसलिए एक समय हम बता रहे थे केवल गोस्वामी छह ही है, कितना गोस्वामी, कौन कौन? जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी को गोपाल भट्ट दास रघुनाथ यही छह गोस्वामी करी चरण वंदन, यही केवल छह गोस्वामी। लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी बताए। बोले कारण यह है इन्होंने छह गोस्वामी को महाप्रभु ने जो जो आदेश दिया था इन्होंने उस सारे आदेश को इन्होंने पालन किया है, इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी कहते हैं। अगर हम कहते हैं हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी सप्तम गोस्वामी है, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं, कोई ज्यादा बोलना नहीं है। बोले कैसे? उन्होंने छह आदेश किया था। बोले पहला आदेश था लुप्त तीर्थों को उद्धार करना। देखो हमारे महाराज कैसे किए, लुप्त तीर्थों को ब्रज मंडल में आप जो परिक्रमा करने के लिए जाते हो, हमारे गुरु जी ने जैसे उद्धव कियारी नाम सुने, उद्धव कियारी जहाँ पर राधा रानी की सर्व तत्व सर्वश्रेष्ठ महिमा
जहां पर उद्धव जी आकर के उनको पता चला, जहां पर उद्धव जी राधा रानी की चरण की एक धूल को वंदना करते हैं, कौन? स्वयं श्री उद्धव जी। ये उद्धव कियारी को गुरुदेव ने फिर प्रकाशित किया। प्रकाशित मतलब किया, धीरे 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 वो लुप्त हो रहा था। गुरुदेव ने पैसा देकर संस्कार किया भांडेरी पर, वहां पर जहां पर राधा कृष्ण की गांधर्व विवाह हुआ, वो लीला स्थल भी धीरे 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 लुप्त होते जा रहा था, लेकिन गुरुदेव ने पैसा देकर उसको संस्कार किया। फिर जाबट, आप लोग सुने होंगे जाबट, जहां पर स्वयं श्याम सुंदर बंसुरी बजाने पर जब श्री राधा रानी आई, जहां पर श्याम सुंदर राधा रानी के चरण में महाबर, जहां वहां पर मेहंद लगा, वो जाबट जाबट स्थान। इसलिए ब्रह्म कुंड गिरिराज गोवर्धन में ब्रह्म कुंड, ऐसे ही गुरुदेव ने अनंत स्थान को ब्रज मंडल में उन्होंने पुनः प्रकाशित किया है। कहते लिप्त, फिर उन्होंने विग्रह स्थापित, उन्होंने विग्रह बहुत सारे मंदिर को गुरुदेव ने भी, गिरिराज गौड़िया बैठे है, रूप सनातन गौड़िया बैठे है, इसलिए हमारे नवद्वीप में केशव जी गौड़िया बैठे है, इन्होंने रमण बिहारी गौड़िया बैठे है। ये जो रमण बिहारी गौड़िया बैठे, इसका विशेष महत्व है। हमारे गुरुदेव कौन है? राधा रानी के रमण मंजरी, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी का नाम उन्होंने रमण बिहारी गौड़ी मठ नाम रख दिया। इसलिए ये मठ का विशेष विशेष ये मठ का महत्व हमारे रमण बिहारी गौड़ी मठ। उन्होंने अनंत उन्होंने मंदिर को विग्रह, फिर भक्तों घर घर में उनका जो तीसरा आदर्श था, उन्होंने भक्ति ग्रंथों को प्रणयन करना। इनका तो इतने इसमें अवदान, भक्ति ग्रंथ में इतने अवदान गुरुदेव का अब जो सोच भी नहीं सकते हैं। इतने उन्होंने ग्रंथों को गुरुदेव ने हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन किया, हिंदी भाषियों को प्रति तो गुरुदेव की इतने महिमा, इतने इनको प्रदेन है। इनका जितने गुणगान करो ना, वो कमी रहेगा, उतना कमी रहेगा गुरुदेव की इतने महिमा। कितने हिंदी ग्रंथ को विशेष विशेष करके रस ग्रंथों को इन्होंने कितने ट्रांसलेशन गुरुदेव ने किया है, और राग मार्गों को प्रचारण करना। सचमुच से हमारे जो गुरुदेव है की एक विशेष देन। अब सब भक्ताओं को मुंह से आप लोग श्रवण कर रहे हो, इन्होंने श्रीमन महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के जो दुर्लभ प्रेम को उन्होंने प्रदान किया है, गुरुदेव ऐसे हरिकथा, गुरुदेव ऐसे ऐसे हरिकथा सुनाए जो कि हर शिष्यों का हृदय में, किसी को ही पूछो, बता ना छोटे बच्चे को भी पूछो, भैया तुम्हारे लक्ष्य क्या है, बोले राधा दास से ही जीवन का लक्ष्य है। एक छोटे से बच्चे को हृदय में है, एक छोटे से बच्चे हृदय में गुरुदेव ने उनका हृदय में भी भर दिया। इसलिए अगर हम गुरुदेव को सप्तम गोस्वामी रूप में अगर गुरुदेव को विघोषित करते हैं, उनको प्रचार करते हैं, ये कोई अतिथि नहीं, वास्तव रूप में गुरुदेव हमारी सप्तम गोस्वामी है गुरुदेव। और विशेष करके गुरुदेव हम ये कथा सुनाते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेद मान मदपुमान। ये कौन कह रहे? बोले कुंती कह रही है। कुंती कह रहे, बोले प्रभु कृष्ण को कह रहे हैं। जब कृष्ण बोले वर मांगो, बोले जिसको अंदर में एक चार गुण की बात छोड़ दो, जिसको अंदर में एक गुण आ जाएगा ना, भजन नहीं करेगा। कुंती कह रही है, बोले पहला नंबर, बोले जन्म, अगर किसको उच्च जात में जन्म हो जाए, ऐश्वर्य अगर किसको ज्यादा पैसा हो जाए, श्री जिसकी सुंदरता आ जाए, जन्म ऐश्वर्य श्रुत जिसको अंदर में ज्ञान आ जाए, वो धरा दूसरा मन सोचते हैं, कहते प्रभु ये तेरे भजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी के अंदर में ये जो चार गुण देखोगे परिपूर्ण रूप में, गुरु जी के अंदर में ये चार गुण विद्यमान। जैसे जन्म, गुरुदेव का जन्म कहां पर? बोले बिहार में है, बक्सर जिला। बोले कौन सा स्थान? जहां पर भगवान राम लक्ष्मण सीता का जहां वनवास, जहां पर निवास किए, जहां पर भगवान राम ने तारका को मारे। और कौन सा कुल में गुरुदेव जन्म हुए? साधारण घर में नहीं, किसको घर में? बोले ब्राह्मण। बोले साधारण ब्राह्मण नहीं, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में गुरुदेव जन्म ग्रहण करते हैं। श्रेष्ठ कहते ना, नमो ब्रह्मण देवाय, जो ब्राह्मण का देवता कृष्ण है। बोले जन्म, बोले ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तो पैसा। गुरुदेव कौन थे? पुलिस ऑफिसर थे। अब तो सब भारत के लोग देखना, अब नहीं चाहने पर भी घर में गड्डी के गड्डी पैसा फेंक करके लोग चले जाते, क्यों? उल्टा पुलटा काम करके उन्हें फेंक करके चले जाते, पैसा को रख लो रख लो। इसलिए गुरुदेव ने कभी भी ये काम नहीं किया, इसलिए उन्हें नौकरी लास्ट में छोड़े। बोले भैया ये गलत काम के लिए हम रिश्वत नहीं ले सकते हैं। इसलिए ऐश्वर्य में देखो तो बड़े ऐश्वर्यवान, जन्म ऐश्वर्य। बोले श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान। गुरु जी के अंदर में इतने ज्ञान था, गुरु जी के अंदर में
जब मैंने मेरे जो बचपन में जब मैं अपना गुरु जी के बैठे में आया हूँ, मेरे मन में बड़ी इच्छा होती थी बचपन में मैं थोड़ा हरि कथा सीखूँ, थोड़ा हरि कथा सीखूँ। मैंने पूछा भैया हरि कथा ऐसे इस समय कौन व्यक्ति जो सुंदर हरि कथा बोलते हैं। मेरे को पता चला मथुरा में एक नारायण गोस्वामी महाराज है जो बच्चों को बड़े आदर पूर्वक जिनको हरि कथा सिखाते हैं, श्लोक सिखाते हैं, खड़े करके हरि कथा बुलवाते हैं। मेरे बचपन में ये भावना थी मैं भी हरि कथा सीखूँ, मैं भी हरि कथा सीखूँ। लेकिन सचमुच से जब मैं मथुरा में आया मैं तो देख देख कर दंग रह गया। वो कथा रूपी मंदाकिनी की नदी बह रही थी, दिन में चार चार गुरुदेव हरि कथा बोलते थे, कोई एक एक विषय पर, ये बने महाराज सिद्धार्थ सब प्रत्यक्ष है, एक एक विषय पर गुरुदेव जब जब उन्होंने गोपनीय से सूक्ष्म विचार गुरुदेव जब बोलते थे। इसलिए हम उदाहरण देते हैं गुरुदेव क्या, ये पारस मणि गुरुपाद पद्म, अगर जैसे लोहे को स्पर्श कराओ ना, पारस मणि तो लोहा बनाती है लेकिन गुरुपाद पद्म किसको लोहा नहीं, लोहा से उन्होंने सोना बनाती है, गुरुदेव सोना नहीं बनाया, पारस पत्थर जैसे सबको एक एक पारस मणि गुरुदेव, एक एक पारस मणि गुरुदेव ने बना दिया। इन लोगों को देखो, देखने पर पता चलता है हैं, पारस मणि गुरुदेव ने बना दिया उन्होंने। मैंने वहां पर देख देख करके, अगर गुरुदेव के पास में केवल किसी ने रुक करके थोड़ी सी हरि कथा केवल ध्यान से सुन लो, आप पृथ्वी में इतने बड़े विद्वान बन जाओगे। जब हम किसी किसी गौड़ीय मठ में जाकर कथा बोलते ना, और लोगों को अपने आप पता चल जाता जरूर ये नारायण महाराज का शिष्य होंगे, जरूर ये नारायण महाराज की कोई मंदिर से कोई लोग होगा, नहीं तो इतने नारायण महाराज को छोड़ करके इतने सुंदर हरि कथा कोई बोल ही नहीं सकते हैं। अगर किसी ना किसी तरह से नारायण महाराज से संबंधित होगा तभी इतने सुंदर ये हरि कथा बोलते। मैं स्वयं हर गौड़ीय मठ में मैं जाता था, हैं, मैं स्वयं जाता था, हम तो छोटे छोटे बच्चे थे लेकिन कथा सुन करके बड़े बड़े संन्यास में दंग रह जाते थे। इसकी महिमा हमारे श्री महाराज की, ये महाराज जी की महिमा। इसलिए गुरुपाद पद्म उन्होंने सबको उन्होंने पारस मणि गुरुपाद पद्म ने बना दिया। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि हम लोगों ने श्री ऐसे श्री गुरुपाद पद्म की श्री चरण में हम लोग आए। कम से कम इतना अगर किसको अंदर में अभिमान आ जाए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कितना अभिमान है, हम लोग तुम्हारी गुरुदेव कौन है, बोले भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। उनका गुरुदेव कौन है, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। उनका गुरुदेव कौन, बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते अगर किसके अंदर में इतना ही केवल अभिमान आ जाए कहते बड़ा पार है, बोले श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए उदाहरण देते हैं, अगर आपने कहीं फंस गया लेकिन आपको मोदी को साथ में कोई परिचित है, अगर बोल दो जानते हो मैं कौन हूँ, बोले मोदी का अमुक आदमी, बड़े से बड़े काम हो जाते हैं, नाम से बड़े काम हो जाते हैं। अगर हम गुरुपाद पद्म जो सबके सब रमण मंजरी विनोद मंजरी सबके सब जो नयनमणि मंजरी जो हमारे ऐसे जो गुरु परंपरा है इसका नाम, इसलिए तो रोज हम लोग जय ध्वनि देते हैं, केवल इनकी नाम लेने पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बस और कुछ करने का जरूरत नहीं, अपने आप भवसागर से तुम्हारी पार हो जाएगी, आचार्य अभिमान है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि श्री गुरुपाद पद्म की केवल लाइन में हम लोग आए हैं। गुरुदेव हमारे हृदय में जो एक बहुत बड़ी चीज दिया है, हम हमारा जीवन का केवल एक लक्ष्य गुरुदेव कहते थे, इसी जीवन में एक चीज को लक्ष्य कर लो, कुछ करने का जरूरत नहीं, गुरुदेव कहते थे इसी जीवन में तुम्हारी लक्ष्य को स्थिर कर दो। हम चाहिए तो एक महाराज बता रहे थे, कोई महाराज बता रहे थे ना तुमको क्या गुरुदेव हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, भगवान गुरुदेव बोलते द्वारका जाना चाहते, बोले नहीं नहीं, बोले वैकुंठ बोले नहीं नहीं, बोले मथुरा बोले नहीं नहीं, बोले वृंदावन बोले हाँ वृंदावन, बोले क्या कोई सखा का सखा बनना बोले नहीं, बोले मैया जसदा की अनुगत बोले नहीं, बोले राधा रानी की अनुगत बोले हाँ, राधा रानी की अनुगत सेवा करना चाहते हो है, राधा रानी की छोटी मंजरी दासी बनकर बोले हाँ, बोले इतना जब तुमको पता चल गया अब तू कह दो तुमको कुछ हुआ ही नहीं, तुमको हुआ ही नहीं। यही चीज को तो प्रार्थना करने के लिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ब्रह्मा विरीन चिर बांछित जय प्रेम जगत फैली ल ढाली कांगाले पाईया खाई ल नाचिया बाजा या करताली। जिसको प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, हमारे गुरुपाद पद्म महाप्रभु का अनुगत्य में हमारे महागुरुपाद पद्म ने आसानी से सभी का हृदय में ये भाव को उन्होंने भर दिया। ये कोई साधारण चीज नहीं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ये चीज है।
बड़े श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। अरे जो आवाज इतना लोगों को आवाज नहीं आ रही, कोई जे कोई हे बोल रहे, जोर से बोलो बड़े श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, सपरिकर महाराज की। देखो मैं तो बीच में थोड़ी बोल पड़ा, महाराज जी कथा सुन करके मैंने थोड़ा बोल पड़ा। सचमुच से महाराज हमारे जो उनको पास में जो शिष्य लोग आए, इन्होंने मेरे तेरे कोई भाव नहीं रखा, ये उसका शिष्य वो उसका शिष्य इसका शिष्य, गुरुदेव कोई भाव नहीं रखा। मैं जब पहले मंदिर में आया, जब मेरे गुरु जी की तिथि आई ना, जैसे इनको बोले गुरु जी का नाम लिख दो, जब मेरे गुरु जी की तिथि आई गुरुपाद पद्म ने जब मेरे गुरु जी की पूजा की ना, और गुरु जी को बार में जो कथा सुनाया, जो मैं मठ में भी गुरु भाई से कथा नहीं सुना था, मेरे गुरुपाद में जो वेदांत ऊपर में जो लिखे वेदांत सूत्र गीता के ऊपर में उपनिषद जो मेरे गुरुपाद पद्म में प्रकाशित किया, और उन्होंने बोले तुम्हारी जो गुरुदेव है हम लोगों को बांध कर गए थे, त्रिविक्रम गोस्वामी बामन और मेरे को बांध करके गए, तुम्हारी गुरु जी की कृपा से अभी तक हम लोग हैं। गुरुदेव स्वयं बोलते थे तुम्हारी गुरुदेव ही हमारे गुरुदेव के बाद में हमको तीनों को बांध कर गए थे, इसलिए हम लोग अभी तीनों के तीनों जोड़ करके, स्वयं महाराज बोलते थे। मैंने जब इस बात गुरु जी के मुंह से गुरु जी कथा सुना ना, मेरे हृदय इतने गदगद हो गया, मेरे गुरु जी को बाहर में इतनी सुंदर कथा अभी तक मैं अपना गुरु भाई से भी कथा मैंने नहीं सुना था, मेरे हृदय इतना गदगद हो गया। तभी तो गुरु जी को पास में संपूर्ण पृथ्वी के दूसरे दूसरे मठ नहीं, संपूर्ण पृथ्वी के लोग गुरु जी को पास में, जैसे सिद्धार्थ महाराज माए मुनि महाराज क्यों गुरु जी को पास में रहे, उन्होंने ये मेरे तेरे नहीं करते थे, ये सोचते थे वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके सब वसुधा के सबके सब आप एक परिवार है, तब भी जा करके हम किसी कर सकते, ये मेरा तेरा शिष्य, मेरा शिष्य मेरे शिष्य, मेरे पास में तेरे शिष्य, ये होगा तो फिर तो हम इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर सबको अगर अपना समझे नहीं कि किसका हम किसी लाइन, गुरुदेव कहते थे हम कौन सा लाइन में, महाप्रभु की लाइन में, एक तो समझो हम एक केवल प्रभुपाद की लाइन में आए, इतना केवल समझो, अगर तेरे मेरे का वध रहोगे कैसे पर, इसलिए तेरे मेरे नहीं हम एक श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का अनुगत्य में हम सबके साथ एक भावना को अगर हम रख करके रहेंगे ना, फिर तो हम भी उनकी जैसी जगत में इतने बड़े प्रतिष्ठित हुआ इतना बड़ा प्रचार कर सकते, इसलिए हम भी अपना सारे गुरु भाइयों को यही प्रार्थना करेंगे तेरे मेरे नहीं करके हम सबके सब गुरु जी की श्री चरण के हम सबके सब दास है गुरुदेव के। अभी इसी कड़ी में हमारे श्री विजय प्रभु जी यहाँ पर है, विजय प्रभु जी को पुष्पांजलि प्रदान करेंगे, उसके बाद में राधानाथ प्रभु जी। 19 तारीख को कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं, एड्रेस तो बताया नहीं, ये कौन सा साल चल रहा है, 2021, बस इससे याद रहेगा आपको, सेक्टर 21 डी पुलिस चौकी पहुंच लेना, पुलिस चौकी के साथ वाले जो दीवार है वही हमारा मंदिर होगा, चौकी के साथ ही 21 डी पुलिस चौकी, सुबह 7 बजे यज्ञ होगा, आप लोग जो यज्ञ में भाग लेना चाहेंगे, और फिर उसके बाद कथा कीर्तन गुरुदेव का और प्रसाद, और मैं भी अस्वस्थ चल रहा हूँ, मेरा यहाँ आने का नहीं था, जी प्रभु और नोएडा के भक्तों की तरफ से विशेष आग्रह था, मैं अभी भी मेरे को बुखार है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं यहाँ से जाने की तैयारी करता हूँ, आप लोगों से 19 तारीख को भेंट हो कल महाराज जी बन महाराज जी, अब केवल 10-15 मिनट बैठ जाओ, देखना एक सब चली जाएंगे सब बिखर जाएगा, 5-5 मिनट सब कल कल तीन 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 भक्त हैं, थोड़ी थोड़ी बोल दे अब थोड़ा 15 मिनट रुको, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, वांछाकल्पतरुभश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जिन लोगों में शक्ति बची है वो हाथ खड़े करके भगवान के नाम को दोहरा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म, अब लोग कोई उठना नहीं क्योंकि अभी 15 मिनट में कथा दूसरा। नित्य लीला प्रवेश सोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुप गुरु परम्परा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित सन्यासीगण, ब्रह्मचारीगण, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन, प्रभु आप सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। देखो मुझसे कह रहे जल्दी करो जल्दी करो। भारी आदमी तो आलसी होता है, वो तो धीरे धीरे ही चलता, तो कैसे जल्दी करो जल्दी करो, है ना। अपना अपना शरीर और अपने अपने शरीर का स्वभाव है। श्रील गुरुदेव ने संबंध अभिधेय और प्रयोजन तीनों को प्रदान किया। पांच मिनट में क्या बोले क्या नहीं। प्रभु जी शरीर भारी है, जीवा सबकी एक जैसी है। संबंध में हमारे पूज्यपाद वन महाराज जी को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि अमावस्या के दिन में जिन लोगों का जन्म होता है ऐसा लोकोक्ति है, लोग कहते हैं कि वे चोर होते हैं। हमारे गुरुपाद पद्म का जन्म जो है वो अमावस्या को हुआ। अभी अभी जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या, परंतु उन्होंने क्या चुराया, उन्होंने अपने निकट आने वाले किसी भी भक्त का उन्होंने हृदय को चुराया, और हृदय को चुरा करके उस हृदय के वो स्वयं राजा बन गए। अब जिसका अपना हृदय है वह अपने हृदय के अनुसार नहीं, उन्होंने कोई नियम नहीं बनाया, कोई बहुत बड़े बड़े नियमों को नहीं बनाया, परंतु सबको बांध करके रखा। कौन सी रस्सी से बांध करके रखा सबको, केवल और केवल प्रेम रूपी रज्जू से उन्होंने बांध को बांध करके रखा। संबंध उन्होंने ही अपनी ओर से बनाया, हम लोगों को अभी संबंध उनके तरफ बनाना अभी शेष है, क्योंकि वे जब परिक्रमा में होते यहाँ पर कार्तिक परिक्रमा में तो बड़े दुखी होते और बड़े दुखी मन से कहते कि मैं एक एक महीना यहाँ बैठा रहता हूँ और ये लोग बाग विशेषकर हम लोगों के लिए, ये दिल्ली नोएडा फरीदाबाद के जो लोग हैं ये आते कब हैं, जब इनको सुविधा होती है किसी इतवार को किसी शनिवार को, ये मेरी महिमा को नहीं जान पा रहे, जब मैं नहीं रहूंगा तब ये मेरी महिमा को जान पाएंगे। संबंध जो दिया उन्होंने मधुर संबंध दिया, और संबंध को केवल उन्होंने ही जो निर्वाह किया। अभिधेय, संक्षेप में भागना पड़ेगा आपके, है ना। अभिधेय, अभिधेय में उनको जैसे महाराज जी कह रहे थे, एक बार उनको श्री रूप सनातन गौड़िया मठ में हमारे अमेरिका के विष्णु महाराज जी है, अंग्रेज है, हिंदी भी बोलते अच्छे से छोटे से बच्चे से, तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव जब आप नहीं रहोगे तब हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या करना है, हमको क्या करना है। गुरुदेव ने कहा मेरे पीछे तुम सब के सब मेरे लिए रोना। कैसे रोना, जैसे ये ब्रज गोपियां कृष्ण के लिए रोना। और एक समय उन्होंने बताया कैसे रोना,
हाँ पांच का थोड़ा सा दो मिनट लगेगा। हाँ तो उन्होंने बताया कैसे रोना, श्रील गुरुदेव ने बताया कि एक समय वो कहाँ थे, इटली के मिलानो में थे और मिलानो से दो घंटा ट्रेवल करके एक बीच पर गए और बीच पर जब वॉक कर रहे थे गुरुदेव तो उन्होंने एक विशेष बात देखी कि एक कुत्ता है वो क्या करता है, वो कोई भी गाड़ी आती है वो दिखाई देती है उसको तो भाग करके गाड़ी में के पास जाता है और गाड़ी के पास जा करके उस गाड़ी में से जो लोग दरवाजा खोलते हैं उनको सूंघता है, फिर वापस आ जाता है, दूसरी गाड़ी आती है फिर उसके पास भाग के, तीसरी के पास फिर, चौथी के पास फिर, ये स्वभाव को देखा। तो वहां गुरुदेव ने पूछा कि ये कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है, तब वहां जो लोग थे जो आना जाना था जिनका, उन्होंने बताया कि इस कुत्ते का जो स्वामी है वो अभी बूढ़ा हो गया लेकिन इस कुत्ता को अपने स्वामी से प्रेम, इतना प्रेम मिला, इतना प्रेम मिला कि ये उस प्रेम को कुत्ता भूल नहीं पा रहा और ये हर गाड़ी जो आती है हर गाड़ी में इसी आशा से कि इस गाड़ी में मेरा स्वामी आएगा, इस गाड़ी में मेरा स्वामी आएगा, केवल इसी आशा से हर गाड़ी में भाग भाग करके जाता है, वहां स्वामी को नहीं पाता, निराश हो जाता है, फिर दूसरी गाड़ी में उत्साह से खोज करता है। अर्थात हमारे लिए जो अभी देह है वो वास्तव में श्रील गुरुदेव को उसी कुत्ते के जैसे, उनका पट्टा बांध करके जैसे वो कुत्ता अपने स्वामी को खोज रहा है, उन्हीं को खोजना हमारा अभी देह है। कैसे? रोते रोते उनको खोजना, जो उनसे प्रेम मिला, जो उनसे स्नेह मिला, जो उनसे मधुर मधुर स्पर्श मिला। हम नवदीप परिक्रमा गए तो हमें नहीं समझ में आया नवदीप परिक्रमा में ये नौ द्वीप है, ऐसा है ऐसा है, हमको वो नहीं समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में आई कि जब कोने में बैठे हुए हैं और गुरुदेव ने बोलते बोलते हमारे ऊपर दृष्टि डाल दी तो हमारा नवदीप आना जो है वो सार्थक हो गया, सारी कथा हमने श्रवण कर लिया, सारा पुण्य हमने कमा लिया। हाँ तो क्या है अभी देह? अभी देह है गुरुदेव के लिए रोना और उनको खोजना। तो फिर प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है, बताओ क्या है लक्ष्य, बताओ क्या है लक्ष्य? राधादास से नहीं, राधादास से नहीं है, उन्हीं शील गुरुपाद पद्म के चरणों की उपलब्धि करना, उनके जितना भी हमारे हृदय में प्रेम है और प्रेम किसके साथ, अपने मन के साथ उनके चरण कमल में रख देना, यही हमारा प्रयोजन है। क्योंकि अगर राधा दास से अगर हमारा प्रयोजन वास्तविक प्रयोजन होता है, लक्ष्य है एक रूप में, अगर वास्तव में होता तो गुरुदेव कभी नहीं कहते मेरे लिए रोना, गुरुदेव कहते राधा रानी के लिए रोना। क्यों? क्योंकि हम इसका अगर हम कहेंगे कि श्रील गुरुदेव को मन दिए बिना, श्रील गुरुदेव के चरणों में प्रेम दिए बिना अगर हम राधा दास से प्राप्त कर लेंगे तो इसका मतलब हमें अहंकारी है कि अपने भजन के बल पर, अपने नाम के बल पर हम राधा दास को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, ये विधि नहीं है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हे गुरुपाद पद्म, मेरा जीवन में वो दिन कब आएगा जब आप मुझे ले जाकर के ये श्री रूप मंजरी के चरणों में समर्पित कर देंगे और ये रूप मंजरी मुझे ले जाकर के ललिता विशाखा के चरणों में समर्पित कर देंगी और ललिता और विशाखा मुझ पर शासन करते हुए कब मुझे उन श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित कर देंगे, उनकी सेवा में लगा देंगे। गुरुदेव स्वयं कहते थे, भगवान ने, गुरुदेव की वाणी है कि भगवान भी केवल मांगते हमसे एक वस्तु, मन को मांगते हैं। गुरु भी जो सदगुरु है वो भी एक ही वस्तु मांगेगा, वो मन को मांगेगा। हम कहेंगे गुरुदेव हमारे मन को लेकर के क्या करोगे, ये तो कुमन है, तो गुरुदेव कहते चिंता नहीं, मैं तुम्हारा कुमन जिसमें अनेकों दोष है उस कुमन को मैं क्या करूंगा, झाड़ पोंछ करके साफ करके उसको सुमन बना करके और उस तुम्हारे कुमन रूपी सुमन को मैं श्री राधा कृष्ण युगल की चरणों में समर्पित कर दूंगा। ये एक विधि है। इसलिए हमारे प्रयोजनीय तत्व, हमारे लक्ष्य जो है वो श्रील गुरुपाद पद्म के चरणों की उपलब्धि है। वांछा कल्पद्रुमस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रणाम। समय नहीं है तो बस मैं
ये कहना चाहूंगा कि मैं 2004 में जब नोएडा आया था, तब उस समय जो है सबसे पहली बार श्री गुरुदेव का ऐसा विराट पंडाल और विराट रूप से कथा सभा उस और जिस मंच पे सारे हमारे सन्यासी वैष्णव लोग बैठे हुए थे और 10,000 से ज्यादा लोग उसमें थे, सबसे पहले नोएडा में इस प्रकार से विराट सभा हुआ हमारे राधानाथ प्रभु और सभी लोगों के अनिरुद्ध प्रभु, राधानाथ प्रभु और बाकी सब लोगों के सहयोग से हुआ। श्री गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न थे और आज मैं जैसे ही प्रवेश किया इसमें, यकीन मानिएगा मुझे वही 2004 वाला दृश्य सामने दिखाई दिया। जीत कृष्ण प्रभु जो है ऐसे मेहनत किया, मैंने उनको तारीफ किया कि आप गुरुदेव के प्रति कितनी आपका प्रेम है कि सारा मेहनत, सारे ब्रह्मचारी लोग जितने थे बेचारे रात को सोया नहीं, 2 बजे तक सबने देखो कितना सुंदर सुंदर सब जगह लगाया और सारे लोग, मैं नाम सबका नहीं ले रहा हूं, मुझे नहीं पता तो माफ कर दें, किंतु इतना प्रेम है वाकई में नोएडा वालों का, वाकई में दिल्ली वाला दिल वाला नहीं है, नोएडा वाला दिल वाला। मैं दिल्ली वाला भी दिल वाला है, रामचंद्र तू तो बैठे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी दिल्ली वाले भी दिल वाले हैं कि तो नोएडा वाले ज्यादा दिल वाले, हाँ ज्यादा दिल वाले, तारतम्य है ना। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर रूप से देखो श्री गुरुदेव के लिए क्या नहीं किया है ना। तो विचार करके देखो कि हमने गुरुदेव के लिए क्या दिया, ज्यादा से ज्यादा 10, 15, 20, 100, 50, 500, 10,000, किंतु गुरुदेव ने बदले में हमारे लिए क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, जिसके लिए हम ये सब क्या 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख क्या हम अपने जीवन लुटा दे, जन्म जन्मांतरों के लिए उनके चरणों की धूली बन जाए, ये भी कम बात नहीं है। बोलो गुरु महाराज की जय, तृतीय सेंटिनियल महामहोत्सव की जय, सभी सन्यासी वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। लास्ट संजय प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। देखिए गुरु महाराज जी के प्रभु जी ने बड़ी सुंदर बात स्मरण करा दी। हमारे गुरु महाराज जी मथुरा में हरि कथा बोल रहे हैं, सनातन गोस्वामी जी की बृहद वैष्णवी तोषणी की टीका की व्याख्या कर रहे हैं। बड़ी हृदय स्पर्शी बात सुनना ध्यान से। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि कृष्ण वंशी वादन कर रहे हैं, छोटी सी वंशी है ना एक हाथ की, तो कृष्ण जब वंशी वादन कर रहे हैं तो जमुना के तट पर जितने भी वृक्ष है ना, वृक्ष लता गुल्म जितनी भी वृक्ष जाती है वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं मन में। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? और गुरु जी कह रहे वृक्षों में जब फल लद जाते हैं ना तो वृक्षों की डालियां नीचे आ जाती है, किंतु उल्टा हो रहा है, वृक्षों में फल लदे हुए हैं किंतु डालियां ऊपर जा रही है गर्व से। क्यों? गुरु जी कहते हैं जो बांसुरी है ना किस से बनी है, बांस वृक्ष जाति का है ना, तो वृक्ष जाति बड़ी प्रफुल्लित हो रही है चित्त में, मन उनका बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि आज हमारे कुल का कोई एक छोटा सा कृष्ण के अधरामृत का पान कर रहा है ना। तो हमारे ही कुल के, छोटे तो नहीं है बड़े, हमारे जीत प्रभु जी, हमारे गुरु जी के कुल के है ना। और कितनी सुंदर ये व्यवस्था की है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना भीतर प्रवेश कर रहे हैं, तो मन में बस यही बात आई कि वास्तव में गुरु महाराज जी के लिए ही ऐसी व्यवस्था है। मन में ये भी विचार आया ये गुरु महाराज जी के लिए ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए, तन से मन से धन से भावना के साथ में। इसलिए हम लोग बड़े ऋणी हैं। अभी हमारे जीत प्रभु आ रहे हैं, आ जाइए इधर। जब महाराज जी ने किसी के नाम जीत प्रभु के नाम के अनाउंसमेंट की तो एक बच्ची मेरे पास आई और कहते जीत प्रभु आपको महाराज जी बुला रहे हैं। मैंने कहा ध्यान से देखो उनकी दाढ़ी थोड़ी बड़ी है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है हम जुड़वा भाई हैं, वास्तव में भी जुड़वा भाई हैं। अंत में जी इधर ही आ जाओ, खड़े हो जाओ, आशीर्वाद दे, खड़े हो, बहुत परिश्रम किया इन्होंने वास्तव में ही, और हृदय हमारा बड़ा प्रसन्न हुआ गुरु महाराज जी के सेंटेनियल के लिए। जिस प्रकार का उत्साह होना चाहिए, शिला भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी एक बात कहते थे, स्वयं सेवा करना ही उतना महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरों को सेवा में लगाना
ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने दोनों ही कार्य किए, स्वयं भी सेवा कर रहे हैं, दूसरों को सेवा में लगा रहे हैं। एक अंतिम बात गुरु महाराज जी के हम लोग सुन जाएंगे। देखिए गुरु महाराज जी क्या देकर के गए हैं। दो प्रकार के वैद्य हैं, एक के निकट में आप जाइए, वो आपसे कहेंगे ये औषधि खा लो और ये पथ का है, ये औषधि आप प्रयोग करो और ये नियम पालन करो तो क्या होगा, आपका रोग दूर हो जाएगा। एक ऐसा वैद्य होता है जिसके निकट में आप जाओ, वो कहेगा ये औषधि खा लो, नियम जितना पालन हो सकता है कर लेना, मेरी औषधि इतनी बलशाली है आपका रोग ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज जी कैसे सदवैद्य हैं, सदगुरु के विषय में कहा गया ना, गुरु जी कैसे सदवैद्य हैं, गुरु जी क्या दे करके गए हैं। उन्होंने अपने मुख से इस बात को कहा, गुरु जी इंजेक्शन लगाकर गए सबको। कौन सा इंजेक्शन लगाकर गए? कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है? कृष्ण ने बंसी बजाई, ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल गया, शिवजी जी की समाधि टूट गई, इंद्र का सिंहासन हिल गया कृष्ण की केवल बंसी बजाने से। किंतु वही कृष्ण जिनके वंशी वादन से बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल उनका सिंहासन हिल जाए, वो कृष्ण की क्या अवस्था हो रही है? प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे, वेणु करान निपतितम शिखंडम भ्रष्टंच पीतवसनम ब्रजराज सुनो। राधा जी ने केवल एक बार कृष्ण की ओर देखा, केवल देखने मात्र से कटाक्ष किया, कृष्ण का पीताम्बर सरक गया, मूर्छित होकर गिर गए। समझ रहे राधा जी की कितनी महिमा है? कृष्ण के एक बार बंसी वादन करने से शिव जी की समाधि टूट गई, ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल गया, इंद्र का सिंहासन डोल गया। ऐसे जो कृष्ण हैं वो राधा जी के एक कटाक्ष मात्र से मूर्छित हो जाते हैं। कितनी राधा जी की महिमा है उसको भाषा से नहीं बतलाया जा सकता। प्रभुपाद जी कहते थे श्रीमती वार्ष भानवी की महिमा को मानव अपने ज्ञान से कभी नहीं जान सकता, इतनी उनकी महिमा राधा जी की। और हमारे गुरु महाराज जी की महिमा देखिए, गुरु जी अपने मुख से कहते हैं कितनी उन्नत वस्तु जिसको वेद वेदांत उपनिषद भी खोजने से पा नहीं रहे। जगत के लोग तो कहते हैं भागवत में राधा जी का नाम ही नहीं है, बताइए इतनी राधा जी की महिमा है नहीं पता चलेगा। और गुरु महाराज जी की महिमा देखिए, गुरु जी कहते हैं जो भी मेरे निकट में आया मैंने उनको ऐसा पावरफुल इंजेक्शन दिया है उनको राधा जी की दासी बनाकर छोड़ेगा। ये गुरु जी की महिमा है, इतनी उन्नत वस्तु को इतने साधारण रूप में दे गए। बस गुरु महाराज जी ब्रजमंडल परिक्रमा में इसी बात को कहते थे, हमको देखना है कि हमने कितना लिया है। इसी विषय के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं, अभी आगे और भी हमारे कार्यक्रम है जिनके अनाउंसमेंट सभी लोग कर रहे हैं, हम लोग उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। अभी विजय प्रभु जी कह रहे थे हम क्या दे सकते हैं, अंततः थोड़ा समय दे दे, थोड़े से कान दे दे, थोड़ा सा हृदय दे दे, गुरु महाराज जी तो इतने में संतुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा प्रातःकालीन परिक्रमा के समय एक बार कि तुम यू कैन नॉट रिपे मी, तुम कभी मेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकते। वास्तव में हम होना भी नहीं चाहते, क्यों होंगे उनके ऋण से उऋण, हम सदा सारा जीवन जन्म जन्मांतर आपके ऋणी बनके आपके द्वार का हमें कुकुर, जैसे भक्तिनो ठाकुर जी दीनता पूर्वक कह रहे हैं हमें कुत्ता भी आपके द्वार का यदि बन जाए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम तो कभी ऋणी नहीं उऋण होना ही नहीं चाहते, किंतु गुरु महाराज जी कहते एक उपाय है, एक उपाय, जो वस्तु मैं दे रहा हूं, जो मैं देना चाहता हूं, तुम उसको लेने के लिए अपने हृदय को प्रस्तुत करो, तुम इस योग्य बनो कि मैं जो देना चाहता हूं तुम उसको ले सको और उसको जगत के लोगों को बांटो, इसी में ही मेरी प्रसन्नता है। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रम बस गुरु महाराज जी की उसी भावना को पूर्ण करने के लिए है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, अभी प्रार्थना करेंगे हमारे शिल्पा जीत प्रभु जी से, वो कुछ गुरु महाराज जी के विषय में हो या जो भी उनके मन में है वो आकर के, गुरु महाराज जी ने उनको जैसा अभी सुना ना आपने, गुरु महाराज जी ने उनको आदेश भी दिया था कि आप नोएडा में जाकर के प्रचार करना, और इनके सरल सहज अमामय व्यवहार से बड़ा ही सुंदर संगठन इनकी क्षमता जो है उसके कारण इतने बड़े बड़े कार्यक्रम जो हैं वो बड़े सुंदर रूप में सुचारित हो रहे हैं। अभी हमारे प्रभु जी कुछ दो शब्द कहेंगे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पर नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय कोट कोट प्रणाम करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री पावन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
और उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानुगुरु वर्ग के चरण कमल का स्मरण करता हूँ और उसके बाद हमारे समस्त दंडीपादगण जो अभी इतनी सुंदर सुंदर महिमा सब श्रवण करा के गए थे, पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत बन गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति मुनि महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत शांत गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद समस्त दंडीपाद पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु, समस्त वैष्णव पूज्यपाद संजय प्रभु, पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु, समस्त वैष्णव वैष्णवी माताएं प्रभु लोग सभी के चरणों में यथा योग्य दंडक प्रणाम करता हूँ और सबकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे गुरुदेव का शतवार्षिक व्यास पूजा सब भक्त लोगों के माध्यम से मनाया जा रहा है। उनकी जो महिमा है वास्तव में वो किस वस्तु को हमें देखे गए थे, जब तक उस वस्तु का आस्वादन नहीं हो जाता तब तक हम उसको समझ नहीं सकते। भक्ति क्या है इसका एक बूंद भी यदि आस्वादन हो जाए तब हम वास्तव में उस वस्तु की महिमा समझ सकते हैं। और ये जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है इसका जो मेरा बिल्कुल भी श्रेय नहीं है। मैंने एक बार निवेदन किया पूज्यपाद भक्तिवेद माधव महाराज जी से, उन्होंने मेरे को उत्साह बढ़ाने के लिए बंगाल से कलकत्ता से बार बार फोन किया मैं आऊँगा, कहाँ पे ठहरना है, कैसे करना है। माधव महाराज जी के 15-20 फोन आए मेरे पास। पूज्यपाद बन गोस्वामी महाराज जी हमारे विदेश में भी मैंने इनको महाराज जी को प्रार्थना की, महाराज जी ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और बोले मैं निश्चित ही आऊँगा। हमारे पूज्यपाद भक्ति विधान सिद्धांति महाराज जी अस्वस्थ होने पर भी आए और पूज्यपाद भक्ति विधान हमारे मुनि गोस्वामी महाराज जी बड़ा ही जिनका सुंदर सुंदर कीर्तन है और मेरा बड़ा पुराना संबंध है। महाराज जी ने एक बार मैं बहुत अस्वस्थ हो गया था, महाराज जी ने मेरा बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टर के पास लेके गए, दिल्ली में मेरा एड्रेस दिया मैं गया और महाराज जी बीच बीच में मेरे को बहुत सलाह करते रहते थे। और पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है जिनके कारण मैं थोड़ा बहुत भी खड़ा हूँ। और हमारे पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु जी जो कि मेरे को बहुत स्नेह करते हैं, रोज़ फोन भी करते हैं और मेरे को जब मैं पथ भ्रष्ट तो हूँ ही पर बीच बीच में मेरे को मार्गदर्शन कराते, पथ पे मार्गदर्शन कराते हैं। हमारे पूज्यपाद राधानाथ प्रभु जी जो बता रहे थे प्रभु जी पहली बार कौन लेके आए गुरु जी को, राधानाथ प्रभु जी, तो मैं इनका भी बड़ा ऋणी हूँ। मैंने इनको निवेदन किया और सीता माता जी आए और पहले मैं इनके अनुगत्य में ही कार्य किया और बहुत अच्छा मैंने बहुत कुछ सीखा है। पूज्यपाद संजय कृष्ण प्रभु जी जो मेरे परम मित्र हैं और बहुत मेरे को सलाह भी देते रहते हैं और पूज्यपाद भक्ति विधान शांत महाराज जी, शांत महाराज जी बहुत ही, मैंने इनको प्रार्थना की थी दिल्ली में, थोड़ा विलम्ब हो गया पर उन्होंने मेरी प्रार्थना को एकदम स्वीकार किया आए। और पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु जी हैं सबसे घनिष्ठ संबंध, सबसे पुराना संबंध। मैं घटना बता देता हूँ, मैं जब नवदीप में जाता था मेरे को बंगला आती नहीं थी, मैं सिर्फ रामचंद्र प्रभु मेरे को जानते थे और गुरुदेव की हिंदी और बंगला दोनों समझ में आती थी। और रामचंद्र प्रभु जब कहीं इधर उधर हो जाते तो हम देखते थे, शिका दीदी के घर पे आते थे और जैव धर्म भी हमें इन्होंने ही पढ़ाया पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु ने। और इनका भी मेरे पड़े बड़ा स्नेह, हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी हैं जो गुड़गांव में भी रहते हैं, ये बीच बीच में मेरे को टोकते रहते और सलाह भी देते रहते हैं। और ये जो पंडाल में जो इतना प्रोग्राम हुआ है इसमें मेरा रंच मात्र भी योगदान नहीं है, हमारे अनु सक्सेना जी हैं जो इतना सुंदर डिजाइन किया है और अनुपम प्रभु है, श्रीराम प्रभु है, दीज कृष्ण प्रभु है जो एक निवेदन इतना थक गए वृंदावन में पर फिर भी आए, सारे गुरु जी के सेवक है, बहुत सारी टीम है अभी देखेंगे आप, तो ये जो सब गुरु जी की विशेष कृपा से हो रहा है। हाँ, और ये ब्रजेश गुप्ता जिसका टेंट के लिए सब लोग बोले बड़ा सुंदर लगाया है, ये भी इन्होंने पूरी परिवार इनका लगा रहा, दो दिन से सोए नहीं। और जितने वैष्णव लोग यहाँ पर आए हैं जो प्रसाद भी विलम्ब हो गया है उनका भी मैं विशेष क्षमा मांगता हूँ क्योंकि शतवार्षिक उत्सव है, शादी विवाह में जाते हैं तो क्या 12 बज जाते हैं, इसलिए आज क्या है बार बार भी आएगा, आज का तिथि है, बस हम प्रसाद शुरू करने वाले हैं, अभी शायद एक महाराज जी कीर्तन कराएंगे और फिर ये कथा को विराम देंगे। हमारे जो सन्यासी हैं और ब्रह्मचारी हैं वो इस हॉल में प्रसाद पाएंगे और जो भक्त लोग हैं वो बाहर में प्रसाद पाएंगे, प्रसाद की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, सबको हो जाएगी चिंता नहीं करना, पर जो हॉल में है वो सन्यासी जाएंगे और ब्रह्मचारी जाएंगे।
और इस जो कथा में आयोजन में बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, जो कि वैष्णव बड़े महान उदार हृदय से उसको बता नहीं रहे, पर मैं उस जो बहुत सारी कमियां हुई हैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप मेरे पे इसने के द्वारा, मेरे जो दृष्टा के द्वारा मेरे दोस्तों को आप क्षमा कीजिए, और किसी जन्म में राधा दास से तो नहीं, गुरु सेवा गुरु दास से ही पद प्राप्त हो जाए, यही आशा के साथ मैं इस वक्तव्य को रखता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदय श्रीमद् भक्ति वेदांत सूर्य नारायण कृष्ण गुरु महाराज की। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदय श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज की, गुरु परंपरा की। हाँ, जो पैंडल बना है ना, इसमें सब चीज, इसमें नई चीज लगाया, जो आप लगा, जो नीचे लगाया, ऊंचे लगाया, ब्रज से नहीं, ब्रज से कहाँ गया है, इनका पूरा परिवार रात भर लग रहे, बोले गुरु जी का तिथि है ना, कोई पुराना चीज हम नहीं लगाएंगे, सब के सब नई चीज लगाएंगे। इन्होंने पूरा परिवार, पिता माता भाई बहन के पूरा तन मन धन से सेवा करते, और हमारे श्री राधानाथ प्रभु जी सचमुच से हम इनके चरण में ऋणी है, इन्होंने ही हमें सबसे पहले यहाँ पर लाए, और सीता देवी सीता ठाकुरानी वहाँ पर खड़ी है, और उनका जो पास में खड़ी है, इन लोगों ने बड़े प्रेम दिया है, ये सचमुच से गुरुदेव की उन्होंने सबसे पहले लाए हैं, इसलिए इनकी वजह से ही आज ये बैठते बैठते इतना बड़ा जो रूप धारण किया है, इनकी कृपा से ही, इनका आशीर्वाद से, ये अभी भी हमारे ऊपर में इनकी आशीर्वाद है, कृपा है इनकी। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी ने ये दो ग्रंथ उद्घाटन करने की कथा कही है, श्री नवदीप शतकम श्री प्रभुदास सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा नाना प्रकार के श्लोकों से नवदीप धाम की महिमा, श्री गौर मंडल की महिमा, तो ये गुरुदेव को समर्पित किया गया है। दिल्ली में भी किया गया, फरीदाबाद में भी किया गया, या आज नोएडा के भक्तों के समक्ष भी ये किया जा रहा है, और आप लोग सब एक एक जरूर लेकर जाना, एक एक गुरुदेव ने बहुत कष्ट से ग्रंथ को उन्होंने किया है, लेना भी और अड़ोसी पड़ोसी को देना है, हैं, गुरुदेव का ग्रंथ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ये ग्रंथ ही एक कारण है, क्योंकि सर्वत्र गुरु जी की महिमा का गाय, इसलिए जाते समय भले ही प्रसाद माना भूल जाओ, लेकिन ग्रंथ लेना भूलना नहीं, सबके सब जरूर एक एक ग्रंथ लेकर पढ़ो। शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती ये विश्व ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है करोड़ों करोड़ बार कोई कर ले, जो पुण्य मिलेगा एक बार कोई नवद्वीप धाम परिक्रमा करे तो उससे करोड़ों गुण ज्यादा महिमा है, बड़ी सुंदर ग्रंथ, आप जरूर एक लेकर जाना। और ये एक हमारे गुरु महाराज जी की जीवनी है हिंदी में, ये भी संजय प्रभु कह रहे हैं, इसकी भी घोषणा करनी है, गुरु महाराज जी की हिंदी में जीवनी, इसको पढ़ने से निश्चित रूप से आपका हृदय अवश्य पिघलेगा। और एक आज नया हुआ श्री गुरु वंदना, श्री गुरुदेव की महिमा इसमें बहुत वर्णन की गई है, इसको पढ़ने से गुरुदेव के संबंध में बहुत कुछ पता लगेगा, और निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा गुरु वंदना पढ़ने से भक्ति हृदय में उतरेगी, इसलिए कौन कौन नहीं लेगा हाथ खड़े करो, सब सब लेंगे। अच्छा, तो लेने वाले तो है भी नहीं, इतनी कॉपी है भी नहीं, नहीं है, लेने वाले बनो, अभी तैयार हो जाएंगे। हरि बोल। हरि बोल। हाँ महाराज जी एक बड़े सुंदर भजन आएंगे, सबके सब खड़े होकर के भजन में नाचते हुए जाना, सबके सब सबके सब नाच करके बोलना चाह रहे हैं। ये दूसरी जो दो किताबें बताएंगे उनकी डिटेल तो बताई नहीं, किसने लिखी है, कितनी सुंदर व्यवस्था है कि मन ही नहीं कर रहा है कि एक ही दिन का प्रोग्राम है, लग रहा है कि मतलब दो तीन दिन चले हो। नहीं, चार घंटे चला, बोला पाँच घंटे, छठा घंटा चल रहा है, पाँचवा घंटा शॉर्ट में करना है। आरती अगर आरती आरती अलग से करते आरती माइक को ठीक करो, माइक को ठीक, माइक का आवाज ठीक करो, देखो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे राधे
Thank you.
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। यही प्रोग्राम 21 तारीख को मोहन नगर में होने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोगों को निमंत्रण है, आप सबान धर रहे सबका साथ में। 21 तारीख को सारे महाराज लोग आ रहे हैं मोहन नगर में, यही प्रोग्राम होगा, ठीक है।